जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है। संगत जी, मैं हमेशा से कहते हैं गुरु जी ना अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और उनके जीवन का पूरा इंतजाम गुरु जी खुद करते हैं। ऐसे ये बहुत खूबसूरत सा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया आसाम से हरविंदर कौर आंटी जी ने। हाँ जी, आसाम से हरविंदर कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आसाम से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी ने हमें पिछले साल जनवरी में अपने साथ जोड़ा और मैं सबसे पहले अपनी बेटी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसने गुरुजी के बारे में हमें बताया। मेरी बेटी की शादी आगरा में हुई है, उसने जनवरी में हमें गुरुजी के बारे में बताया और उसके बाद वो रोज़ फ़ोन पर गुरुजी की बातें मेरे से करने लगी तो सुनकर मेरे को इतना अच्छा लगा। तो मेरे पास तो उनका कोई स्वरूप नहीं था तो पहला स्वरूप मैंने नेट से निकलवा के फ्रेम करके अपने मंदिर में रखा और फिर फरवरी में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप आया। वो दिल्ली से आया था, जैसे मेरी बेटी ने ड्रीम देखा था कि हमारे यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा है। तो मेरी बेटी ने दिल्ली से ब्रेसलेट मंगाए थे तो ब्रेसलेट के साथ उसको ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी के स्वरूप की। तो उसके ससुराल वाले गुरुजी को नहीं मानते हैं तो उसने स्वरूप मेरे को भेज दिया। जब वो स्वरूप हमारे घर आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गुरुजी का स्वरूप आया है। और गुरुजी का स्वरूप फिर हमने लगाया तो जब गुरुजी आए थे तो हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। सर संगत जी, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं थी और जब गुरुजी आए तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि हमारा घर जो है पुराना बना हुआ है और बारिश के टाइम में हमारा फर्श सारा दिन गीला ही रहता था और बहुत गंदा गंदा लगता था। तो मैंने गुरुजी को हंस के बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ऐसे गंदे घर में रहोगे क्या? तो संगत जी विश्वास करिए, गुरुजी ने 2-3 महीने के बाद ही टाइल्स लगवा दिए और उसके बाद फिर मेरे को मैसेज आने लगे गुरुजी के कि मैंने तेरे जो कल्याण किए हैं वो सबको सुना। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद दूसरा सत्संग मेरा ये है कि जून में मेरी छोटी बेटी का बर्थडे होता है तो मई महीने में गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए बेटी को और बहुत कुछ ब्लेसिंग्स देकर गए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब गुरुजी के बारे में मेरे को पता चला तो मैंने यूट्यूब में सत्संग सुनने शुरू किए और गुरुजी ने बहुत से सत्संग सुनवाए मेरे को। मेरा ऐसा हो गया था कि घर का काम ख़त्म करके मेरे को सत्संग सुनना है। दिन में 3-4 जितना मेरे को टाइम मिलता था मैं सत्संग सुनती थी और मेरी आँखों से खुद ब खुद इतने आँसू निकलते थे। और जब मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें बड़े मंदिर के बारे में बताते थे, सत्संग के बारे में बताते थे तो मैं गुरुजी को अरदास करती थी कि गुरुजी हमें भी बड़े मंदिर के दर्शन करवाइए। तो गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुन ली। तो जुलाई में हमारी बड़े मंदिर जाने के लिए हमने टिकट बुक करवा ली। टिकट तो बुक हो गई संगत जी। उसके बाद वो जो बिहार में अग्निपथ को लेकर जो प्रॉब्लम हुई थी
तो हमें मैसेज आता है कि ट्रेन कैंसिल हो गई। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी के हमें बड़े मंदिर के दर्शन नहीं करवाएंगे, संगत जी विश्वास करो। शाम को फिर से मैसेज आता है कि ट्रेन चालू हो गई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। उसके बाद जैसे जैसे जाने का टाइम पास आया तो पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें टिकट कैंसिल करवानी पड़ेगी। आप विश्वास करिए संगत जी, जाने के एक दिन पहले गुरुजी ने पैसों का इंतजाम भी करवा दिया, लख लख शुक्राना गुरुजी का। हम लोग पहले आगरा गए, आगरा से फिर हम 11 तारीख को बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला वहाँ जाके। और उधर से जब हम आए हैं, वहाँ से आने के बाद संगत जी छोटी बेटी का रिश्ता भी गुरुजी ने करवा दिया। और जैसे मेरी छोटी बेटी को बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमने किसी के लिए भी हाँ नहीं की। ये जो रिश्ता आया ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी, क्योंकि मेरी बेटी को वहाँ पर गुरुजी की ग्रेस बुक मिली थी, उसने वो पढ़ी थी। पढ़ने के कुछ दिनों के बाद ही उसका रिश्ता तय हो गया। शुक्राना उसके लिए, लख लख शुक्राना गुरुजी का। और जब लड़के वालों से हमारी पहली मीटिंग हुई एक रेस्टोरेंट में, तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो गाने चल रहे थे, लेकिन अचानक से गाने बंद हो गए और शिवजी की आरती चलने लगी। गुरुजी ने हमें दिखा दिया कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर आई उसके रोके की बारी, और रोका भी अगस्त में हुआ। जब रोके का टाइम हुआ तो हमारी इन्वर्टर की बैटरी ख़राब हो गई और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो गुरुजी ने जितनी भी रस्में थी सब इतनी अच्छे तरीके से करवा दी, और हमारी बैटरी भी आ गई और रोके का काम भी गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से कराया। उसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना हम कभी नहीं कर सकते। गुरुजी के ने हमारे पर इतने कल्याण किए हैं कि हम कभी उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी, अभी बेटी की शादी की डेट फिक्स हो गई है 5 नवंबर की, लेकिन अभी भी वही सेम प्रॉब्लम है पैसों की। और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि बेटी उनकी है और उन्होंने ही शादी करनी है, ना तो हमारी औकात है और ना ही हम कर पाएंगे। मेरा एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर एक लेडी आई और वो बोलती है कि उस पर जैसे देवी देवताओं के पहरे आते हैं, वो शिव जी की भगत है। उसने गुरु जी के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखा। बहुत टाइम तक देखने के बाद वो बोली है कि बेटी की शादी की चिंता मत करो, बहुत अच्छे तरीके से ये सब मैनेज करा देंगे। और मेरे ससुर को गुजरे हुए 10-11 साल हो गए हैं, लेकिन कभी कुछ गलत हुआ नहीं, ना कभी हमें डर ही लगा। लेकिन उसने आके हमें बहुत उल्टी सीधी बातें बोल दी कि उनकी आत्मा यहीं पे है और वो मुझे घूर घूर के देख रही है, और बहुत उल्टा सीधा उसने बोला। तो हम लोग डर गए। उसके बाद वो हमारे बेडरूम में आई, वहाँ पर भी गुरुजी का मंदिर है, दोनों टाइम जोत जलती है वहाँ पे। तो आकर वो बोलती है कि तुमने मंदिर यहाँ पर क्यों रखा हुआ, ये तो गलत जगह है, इधर से उठा लो मंदिर। और तुम्हारा ये रूम बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ख़राब चीज़ है, और यहाँ से जल्दी मंदिर उठा लो। हम लोग तो डर गए। उसके बाद संगत जी आप विश्वास करोगे, अगले दिन सुबह जब मैंने जोत जलाई है तो गुरुजी ने जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें ये एहसास कराया कि तुम लोग डरो नहीं, मैं यहाँ पर भी हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, 2 दिन उन्होंने बटरफ्लाई के दर्शन कराए। गुरुजी हमारे यहाँ कोई संगत जी हमारे यहाँ पर कोई भी संगत नहीं है और ना ही सत्संग होता है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी हमें सत्संग में कब बुलाएंगे। तो गुरुजी ने सबसे पहला सत्संग जो हमें अटेंड करवाया वो 7 जुलाई
7 जुलाई को अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने हमें बुलाया। वो दिन मैं कभी नहीं मिलूंगी उस सॉरी संगत जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। वहाँ पर जाकर इतना सुकून मिला और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और संगत जी बहुत खुश हुई सत्संग में जाकर। और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं और उन्होंने हमें अपने बर्थडे पे हमें बुलाया। इसके लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से हमारा रिश्ता कब से है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पिछले 8-9 सालों से हमारे हालात बहुत ही ख़राब रहे हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं था, वर्कशॉप थी जो कि 4 लाइन में चली गई थी, इनकम का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तब भी हमें गुरुजी ही चला रहे थे, ये बात हमें तब पता नहीं चली। और हमें हमेशा, जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे हैं, गुरुजी ने हमेशा हमारी मदद की है और उस मुसीबत से हमें निकाला है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने पाठ पूजा से जोड़ा और अमृत वेला भी बख्शा। शुक्राना गुरुजी, हम पापियों को आपने अपने साथ जोड़ा और हमारा हाथ थामा। संगत जी, मैं तो आते जाते गुरुजी के साथ बातें करती रहती हूँ। अपना सब सारा दुख सुख जो भी है उनके साथ मैं शेयर करती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। तो मेरी बेटी पूछेगी कि मम्मा आप किससे बात कर रहे हो, तो मैं बोलती हूँ देखो ना, सामने बैठे हुए हैं जो उन्हीं से बात कर रही हूँ और किससे बात करती हूँ। संगत जी, मैंने बहुत टेंशन ली हुई है, टेंशन ले लेकर मेरे को डायबिटीज़ हुई है, लेकिन अब सारी टेंशन मैंने छोड़ दी है। अभी मेरे जो पापा हैं, अभी अपनी सारी टेंशन मैंने उनको दे दी है, अभी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है टेंशन लेनी। गुरुजी के जो स्वरूप लगे हुए हैं वो ऐसे तो बड़े भी हैं, लेकिन उनमें फेस छोटा है। तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आपका फेस मेरे को बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। तो गुरुजी ने मेरे को जनवरी में ब्लेसिंग्स के रूप में अपना बहुत बड़ा स्वरूप गिफ्ट दिया और उसमें फेस बना हुआ है, वो काफ़ी बड़ा स्वरूप है। तो अब गुरुजी मेरे को बोलते हैं, अभी देखते रहो, मेरे को बिना चश्मे के देखते रहो कितना देखना है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे को नए साल में ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स के अंकल को। उनके भी सत्संग में सुनती थी जिसमें वो बोलते थे कि अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने हिम्मत जुटाई और आज मैंने सत्संग शेयर किए हैं जो गुरुजी ने हम पर कल्याण किए हैं। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो संगत जी मेरे को माफ़ करिएगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू संजीव अंकल, थैंक यू संगत जी और शुक्राना गुरुजी।